एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिकास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आ गए हम लोग फिर से किचन में, और किचन में एक अच्छे से रेसिपी हम लोग बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे मिश्रिती बता देंगे, क्योंकि हमको नाम नहीं पता है उसका। तो मिश्रिती यहाँ पे है, क्या बन रहा है बता दीजिए थोड़ा सा। ब्रेड, हाँ रोल, ब्रेड रोल, ये कैसा डिश है? वो बनाएंगे तब पता चल जाएगा। तो सब चीज मतलब ब्रेड के अंदर आलू स्टफिंग, आलू की स्टफिंग डाल के उसको फ्राई। मुंह में आवाज नहीं है तो यहाँ पे है, माइक नहीं लगा है। अच्छा, माइक लगा दीजिए तो अच्छा सब उसमें। ओके, माइक लगा लेते हैं पहले उसके। हे गाइस, तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ और यहाँ पे आलू बॉईल करके मैं ऊपर से लेकर आई थी। ये रहा मेरा आलू, और प्याज कट कर लूंगी, इसके बाद आप लोगों को दिखा दूंगी। लॉन्ग में भी दिख जाएगा, शॉर्ट में भी दिख जाएगा आप लोग। सबसे पहले प्याज को कट कर लेती हूँ। मैम चॉपर से बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे पसंद है चॉपर से करना। डालो, घुमा और हो जाएगा। चॉपर लेकर आ जाऊँगी, नीचे ऊपर रखा हुआ। मैं जब भी कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ ना, चॉपर से कट कर लेती हूँ, बहुत अच्छा होता है। उससे एकदम बारीक प्याज काटना है। हे गाइस, तो मेरा सब कुछ सामान तैयार हो गया है। यहाँ पे आलू, और ये है प्याज, और ये हरा मिर्च, ये धनिया, और यहाँ पे गरम मसाला, और ये नमक। बस इतना ही चीज़ का मुझे ज़रूरत है, और कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए इसमें ब्रेड, ये रहा ब्रेड, मिक्सर पर लाए हैं ब्रेड, और ऑयल, रिफाइंड ऑयल। बस हो जाएगा सारा काम। आप लोग ना मेरा इसका शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से बना रहे हैं हम लोग। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे मेहनत को देखते हुए। और फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बना रही हूँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा ही बनेगा, क्योंकि मिस्टर भगत है मेरे साथ इसी वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हे गाइस, तो अभी मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो ये मैं बता देती हूँ कि बहुत सिंपल रेसिपी, आप एकदम आराम से बना सकते हैं, झटपट बना सकते हैं, ये बहुत मतलब आसान है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ। सबसे पहले मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है बॉयल आलू, और यहाँ पे लिया है प्याज एकदम बारीकी से काट के, और ये लिया है हरा मिर्च और धनिया, और ये है गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। बस अब इसे मैं मिक्स करूँगी, मिलाऊँगी, इसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं आलू को अब मिक्स कर रही हूँ, ये देख सकते हैं। मेरे पास मिक्स मैसर नहीं है, तो मैं हाथ से करती हूँ। हाथ भगवान किस लिए दिए, हाथ से तो सारा काम होता है। मैं तो हाथ से कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। फर्स्ट टाइम ये मैं बना रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले मैं देख लेती हूँ कैसा बनता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, फिर आप लोग बनाना। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मैश, तो गाइस मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है और ब्रेड को काट लिया। मेरे पति जब एक गलती कर दी है कि ब्रेड जो है ना बहुत मतलब कि छोटा है, थोड़ा बड़ा साइज का रहता है ना तो अच्छा होता। अंदर है क्या जी? हाँ ये सब ठीक है, पतला है, बहुत मोटा है ये वाला। उसको रख देते हैं, ये ठीक है, पतला पतला है। ऐसे ब्रेड को काटना है, ब्रेड का जो साइड वाला है ना वो हटा देना है, ठीक है। ये हटा देना है, ये हट गया, और ये बचा। अब इसका काम है, इसका काम नहीं है, ऐसे तो खा सकते हैं, खाने का ये फेंकने का थोड़ी ना है। तो अब इसका काम है। हे गाइस, तो अभी मैंने पैन चढ़ा दिया है यहाँ पे, और अब मैं फ्राई करूँगी। हे गाइस, तो आपको आलू का जो शेप है ये लंबा भी आप दे सकते हैं ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, और नहीं तो आप गोल भी कर सकते हैं, गोल भी अच्छा लगे। तो मैंने एक गोल भी बनाया है और एक लंबा भी बनाया हुआ है। और इसे ना पानी में हल्का सा डिप करना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। बस ऐसे करके ऐसे या ऐसे आपको रखना है, और ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे दाब दाब के से, ऐसे ऐसे अच्छे से जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है वैसे कर लेना है। बस और कुछ भी नहीं है इसमें करने को।
चलिए जब फ्राई करूंगी तब आप लोग फिर देखिएगा। हे गाइस, तो अभी मिस्टर भगत भी मेरे पास आ गए हैं साथ देने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था इसी वजह से। तो अब बन ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं शॉर्ट सूट करूंगी अच्छे से, शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, सूट करके इसके बाद फिर लॉन्ग। हो गया, ऑन कर दे। काटिए ना बस, मैं तो गोल भी बना रही हूँ और लंबा लंबा भी बना रही हूँ दोनों, वो भी सेफ अच्छा लगेगा इसमें दिखने में। और कटे खा भी रहे हैं, खाना भी करना है। मेरा किचन पूरा फैल जाएगा अभी। और कर रहे नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ये गाइस, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हुआ है, फ्राई हो रहा है अभी, ये देख सकते हैं, दिखा दीजिए सभी को, देख तो कैसा बनता है, इसे पूरा गोल्डन ब्राउन करना है। हेलो एवरीवन, तो अभी मतलब फ्राई कर रहे हैं श्रुति। अच्छा, फोन में अपनी मम्मी जी से बात कर रहे हैं, माँ से। और यहाँ जो बचा हुआ है ये बहुत खाने में बहुत मजा आ रहा है, मीठा मीठा है पाव रोटी, तो काफी अच्छा लग रहा है खाने में। हम तो यही खा रहे हैं तब से। और काफी अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे, लाइट वाइट जल रहा है, बाहर का व्यू भी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, पूरा लाल कर लेना है। तो अभी निकाल रहे हैं जो कि अच्छे से फ्राई हो गया है एकदम, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है बनाना, बहुत ज़्यादा सिंपल, कोई भी बना लेगा आराम से घर में। और कैसा टेस्ट रहता है खा के देखेंगे, फिर आप लोग को अच्छे से बता पाएंगे। तो सॉस का बोतल भी लेके आ गए हैं यहाँ पे, और अभी हो ही गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। और सामान कितना छिटा गया देखिए, थोड़ा सा काम होता है सामान पूरा फैल जाता है। निकालिए जल्दी जल्दी निकालिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मिस श्रुति भी सुबह सुबह यहाँ पे नाश्ता बना रहे, क्योंकि मिस श्रुति का गैस खत्म हो गया है, मतलब सिलेंडर का गैस खत्म हो गया है, सॉरी क्या क्या बोल देते हैं, गलती से बोल दिया, आपका गैस खत्म हो गया है। नाटा है, साइज छोटा है तो कैसे होगा, हटिए। शादी के पहले लगा हूं कि आप छोटा, आपका हाइट छोटा है। मेरा हाइट छोटा है, आपसे तो लंबे ही हैं। गाइस, किस किस को मक्के का रोटी खाना है आज, जो कि हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। आप ये सब थोड़ी ना खाइएगा, आपको चाहिए बिरयानी, मटन पुलाव, ये सब तो मेरे को सब कुछ पसंद है। सब्जी, मक्के का रोटी बना रही हूँ, मक्के दी रोटी सरसों के साथ, ये सब बनाते हैं हल्का फुल्का, मम्मी पापा मुझे पसंद है। मक्के का रोटी वगैरह हो गया, चावल का आटा का रोटी हो गया, ये सब बनाते हैं। जई सब्जी लाने ऊपर का ही, साफ सफाई हो रहा है किचन में, इसलिए वहाँ पे खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो मम्मी को पहले से बोल रही थी कि यहाँ पे बना लो, लेकिन नहीं, यहीं पर बना लो, बाबू को देखो। तो फिर मम्मी बोली कि ठीक है जाओ, क्योंकि वहाँ दिक्कत हो रहा है खाना बनाने में इसी वजह से। तो अभी नाश्ता तो हम सिंपल सा ही बनाया है, कुछ ताम झाम नहीं किया, लेकिन खाना सब यहीं पर मुझे बनाना है, तो बनाऊंगी खाना। अभी मिश्रिति बना रहे हैं भिंडी, इसको कटिंग कर लिए हैं अच्छे से। और इधर में दूध चढ़ा हुआ है, जो कि अभी अभी आया सुबह, दूध हो गया गर्म। और क्या क्या बन रहा है, भिंडी का भुजिया, हम जो खाते वो बनना चाहिए, कुछ बने या ना बने। पालक साग खाते हैं ना, कद्दू खाते हैं, तड़ाक तड़ाक कद्दू तो खाते हैं, तो कद्दू दाल चावल खाइएगा। यस, और थोड़ा पापड़, मेरा पापड़ ये सब ग्रिल भी साफ करना पड़ेगा, देख रहे हैं गंदा बहुत है इसमें। धनिया पत्ता चटनी आया, धनिया पत्ता आया, और हम लोग धनिया पत्ता घर में भी लगाए हैं ऊपर छत में एक, आप लोग को दिखाई होंगे ये, अभी छोटा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तब अच्छा लगेगा देखने में भी। कुछ ही दिन तो हुआ है लगाए हैं।
डस्टबिन ला दीजिएगा ना। डस्टबिन लाना पड़ेगा क्योंकि इसमें पेटी में फेंक फेंक के पेटी गीला हो जाएगा, इसमें इसके गीला कचरा भी जाता है तो इसकी वजह से खराब हो जाएगा पेटी, इसलिए डस्टबिन एक लेके आना पड़ेगा। इसमें क्या बनेगा भुजिया? भिंडी बनेगा। अच्छा, और भिंडी कद्दू साग दाल बन गया है, चावल बनेगा। कभी बना रही हूँ भिंडी का भुजिया मेरा, और पालक बनाऊंगी, पालक और धनिया है, चावल चढ़ा दिया। 10 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी बना लूँ क्योंकि बाबू के पास फिर जाना होगा। हे गाइस, तो मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ और सारा खाना वगैरह बना के सब साफ करके बर्तन में गिल्ली को देखिए मेरे बच्चा तो बाबू को नहलाना था इसी वजह से मैं आई, बाबू को छत पे लेकर रखे नहाई मैं और मम्मी, और उसे तैयार भी कर रही हूँ, देख सकते हैं खेल रहा था। क्या बेटा? और वो दादा दादा कर रहे हैं, और घर में भी पता है गाइस साफ सफाई पूरा चल रहा है, बाबू को चोट नहीं जा पाती हूँ, देख सकते हैं सारा सामान निकाला गया, पूरा किचन का सामान जो है पूरा निकाला गया है, पूरा किचन का सामान है बाहर, और अब किचन भी साफ हो रहा है। और अभी नीचे हम लोग जाएंगे, मतलब नीचे जाएंगे सबको खाना खाने, वहीं पे खा लेके वहीं पे बर्तन धोएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी साफ सफाई चल रहा है, मतलब सब कुछ जगह पे अपना नहीं है, सब इधर उधर हो गया है, अभी चल रहा है तो ये सब साफ सफाई। और गुल्लू को दूध दूंगी सोच रही हूँ बना।